मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनए के बारे में। आरएनए को एक और तरह से डिवाइड कर सकते हैं, लाइक जीनोमिक आरएनए एंड नॉन जीनोमिक आरएनए। तो जीनोमिक आरएनए जो जेनेटिक मटेरियल की तरह यूज होता है कुछ वायरसेस के अंदर, वो होता है जीनोमिक आरएनए। तो जो जीनोमिक आरएनए होता है ये, इसको जेनेटिक आरएनए भी बोल सकते हैं। जेनेटिक आरएनए ये क्या करवाता है, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करवाता है नेक्स्ट जनरेशन के अंदर। ये किसमें प्रेजेंट होता है, कुछ वायरसेस के अंदर प्रेजेंट होता है, और ये टू फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए एंड डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। मोस्टली आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, लेकिन इसका कुछ एक्सेप्शन है। और एक्सेप्शन क्या है, रियो वायरस के अंदर ये क्या होगा, डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा। सिंगल स्ट्रैंडेड के काफी सारे एग्जाम्पल्स है, लाइक टोबैको मोज़ेक वायरस, इसके अलावा रेट्रोवायरस। तो इस तरह से काफी सारे एग्जांपल्स हैं सिंगल स्ट्रैंडेड जेनेटिक आरएनए के। नॉन जेनेटिक आरएनए क्या होता है, जो अदर देन जेनेटिक इंफॉर्मेशन अदर कुछ फंक्शंस प्ले करेंगे, लाइक यहाँ पे मेनली ये थ्री टाइप के होते हैं, आरआरएनए, मैसेंजर आरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए। तो आरएनए फंक्शन क्या करता है, एज अ एडेप्टर यूज हो सकता है, इसके अलावा इसका स्ट्रक्चरल रोल होता है, और इसके अलावा ये क्या करवाता है, एज अ कैटलिस्ट भी यूज होता है। एज अ कैटलिस्ट कौन कौन से आरएनए यूज होते हैं, एज अ कैटलिस्ट कहाँ पे यूज होगा ये, जैसा कि 23S आरएनए या फिर 28S आरएनए। अभी हम देखेंगे ये 23 और 28S आरएनए क्या है। ये प्रोकैरियोट्स के अंदर होगा, ये यूकैरियोट्स के अंदर होगा। ये क्या करवाते हैं, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एक्टिविटी। तो पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज मीन्स अमाइनो एसिड के अंदर जो पेप्टाइड चेन बन रही होती है अमाइनो एसिड की, उसके ऊपर अमाइनो एसिड को ट्रांसफर करवाने का काम करवाते हैं ये दोनों आरएनए। तो एज ए कैटलिस्ट यूज हो रहा है। इसके अलावा ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकंड जो स्प्लाइसिंग होती है, जिसको सेल्फ स्प्लाइसिंग भी बोला जाता है, जो प्रोकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट होती है मेनली, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया के जीनोम के अंदर प्रेजेंट होती है। तो ये ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकंड स्प्लाइसिंग जो होती है उसमें भी आरएनए एज अ कैटलिस्ट यूज होता है। तो अब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं आरआरएनए, मैसेंजर आरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए के बारे में। अब आरएनए के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखें, तो आरएनए को वन मैन आर्मी भी बोला जाता है, बिकॉज आरएनए क्या है, एज ए कैटलिस्ट यूज होता है, एज ए जेनेटिक मटेरियल भी यूज होता है। तो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे डिटेल में आरआरएनए के बारे में।